देखिए रेड रेड खरीद के लाई थी तब तो 40 रुपये दे के लाई थी। पानी भी मैं बगल में इसी तरह से रख देती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं पूनम आप सबों का मेरे झारखंड किंडो ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। आपने पिछले वीडियो में ही देखा कि मैं इनक्यूबेटर में अंडा डाल चुकी हूँ 16 फरवरी को, और आज है 20 फरवरी। तो चलिए देखते हैं, कुछ को चेक करके देखूंगी कि बच्चे बनना चालू हो गए हैं या नहीं, और मैं आप सबों को दिखाती हूँ। चलिए बैक कैमरा से देखिए, मैं लोटरेट के लिए बनाई थी लेकिन मैं डर गई कि कहीं नीचे मैं जो खरीद के लाई थी अंडे कड़कनाथ के, तो कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं पूरा निकाल के भले ही मैं हाथ से ही रोटेट करूं तो एक साथ ही मैं रख दी हूं उसी दिन सेकेंड हाफ में। फिर मैं इस तरह से सबको एक साथ रख दी हूं। मैं कितना है शायद 35-36 अंडे होंगे टोटल, तो मैं इसे तीनों टाइम हाथ से ही करती हूं। अपने देखा रोटेट से करने से सावधानी आराम तो है, बार बार खोलना ना पड़ेगा, लेकिन इतने अंडे हैं नीचे। जब मैं रोटेट करती थी तो नीचे के जो बनाई हूँ उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था कौन सा अंडा घूम रहा है और कौन सा अंडा नहीं घूम रहा है। तो मैं सोची ज़्यादा अंडे के लिए मुझे इसी तरह से खोल के ही करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इस तरह से खोल दी हूँ और तीन टाइम इस तरह से रोटेट करती हूँ सभी अंडे को। चलिए चेक करके देखते हैं। मैं जल्द डालना था वीडियो लेकिन नहीं डाल पाई, मेरे हाथों में थोड़ा चोट आ गया है देखिए इसीलिए। तो मैं अभी अंडे को चेक करके देखती हूँ। देखिए रेड रेड सा तो दिख रहा है, देखिए इस यहाँ पर कुछ को चेक करूंगी, सभी को तो नहीं। देखिए ये भी इसमें भी रेड सा है, ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी तो लग रहा है अंडे बच्चे तो बनना चालू हो गए हैं और कुछ दिनों में ज़्यादा अच्छा रहेगा चेक करना। मैं रोटेट कर देती हूँ, फिर चलिए मैं बच्चों को भी दिखाती हूँ कि कितने बड़े हुए हैं दोनों बच्चे, जो मुर्गी से जो बच्चे हुए बच्चे थे और जो मैं इनक्यूबेटर से मेरे 6 अंडे से बच्चे निकले थे, तो उनको पहले मैं रोटेट कर लेती हूँ। और मैं बताई नहीं, मैं कड़कनाथ मुर्गी के 1 अंडे जब मैं पहले लाई थी, मेरे पास 2 मुर्गी है उसका खरीद के लाई थी तब तो 40 रुपये दे के लाई थी, तो इस बार मुझे 30 रुपये में 1 अंडे मिले हैं, इसलिए मैं सोची अपने हाथ से ही रोटेट करना ठीक रहेगा, नहीं तो बाई चांस अंडे के बच्चे जो बन रहे खराब हो जाएगा तो दिक्कत है इसीलिए। यहाँ पर है लेकिन उससे पहले मैं मेरे 2 मुर्गी के बच्चे जो उसकी मम्मी के साथ है, देखिए ये भी बहुत ही हेल्दी सा है, इसकी मम्मी बहुत ही अच्छी तरह से देख रही है, अभी तक दोनों अच्छे ही से हैं, सुसाइड हो गए हैं अपनी मम्मी के। कैसे देखिए एक वाइट है यहाँ पर और एक इस साइड से ब्लैक है। चलिए अब दिखाती हूँ मेरा जो इनक्यूबेटर में रखा हुआ मुर्गी का बच्चा, देखिए ये भी सभी के सभी हेल्दी है। और मैं सोच रही हूँ आज इनको थोड़े से ये जो डिब्बे में बनाई हूँ वो छोटा पड़ रहा है देखिए, तो इसे मैं उठा उठा के एक बड़ा डिब्बा बनाई हूँ, देखिए चलिए देखिए उसे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उनको अभी खेलने कूदने के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो इसीलिए इस तरह से इसे भी टेम्परेचर कंट्रोल करके ही रखूंगी। तो देखिए यहाँ प्लास्टिक डाल दी हूँ, शीशा तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं उनको बाहर से देख सकूंगी, इसीलिए इस तरह से डाल दी हूँ। अब इसमें डालते हैं और यहाँ पर मैं अंदर में प्लास्टिक डाल दी हूँ ताकि वो गंदा करे तो नीचे ये जो डिब्बा है वो खराब ना हो। मैं यहाँ पर भी प्लास्टिक डाली हूँ और डेली डेली ही इसका
जो कपड़ा और पेपर डालती हूँ उसे निकालती हूँ, लेकिन फिर भी गंदे कर देते हैं। चलिए अब चेंज करते हैं। चलिए एक एक को निकाल के नए वाले में डालती हूँ। कितना देखिए, देखिए इसके इतने अच्छी तरह से पंख पंख आ गए हैं। देखिए दो वाइट है, चार ब्लैक है, छः के छः सही सलामत से है। यहाँ डाल देती हूँ नए घर में। और मेरे जो लंगड़े वाले मुर्गी बची थी, लंगड़ा सा था जो, वो भी अब उसका भी पैर सीधा हो गया है। देखिए इतना भाग रहे हैं ये। मैं कौन सा है देखती हूँ। ये तो इसका तो पैर ठीक है जो। देखिए देखिए कौन सा लंगड़ा सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी के सभी जो लंगड़ा था उसके पैर भी ठीक हो गया। चलिए अब मैं बल्ब वगैरह चेंज कर देती हूँ। देखिए अपने नए वाले घर में सभी बहुत खुश हैं और यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। मैं इसमें ऊपर चढ़ के बैठने के लिए बना दी हूँ, उसमें कभी कभी चढ़ भी जाते हैं। उस साइड में जो है उसी का पैर लंगड़ा था। देखिए ओके फ्रेंड्स, आप सब हमको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल में अभी न्यू हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के आप सब हमको वीडियो देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।